बीच में न केवल बुंदेलखंड के ही नहीं बल्कि समूचे भारतवर्ष में आज पाल बघेल धनगर समाज का झंडा समूचे हिंदुस्तान में लहरा रहे हैं और हमारे समाज की एक लौती आवाज बुंदेलखंड की आवाज अखिल भारतीय बाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झांसी जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय राकेश पाल साहब, भाग्यशाली हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधान जिला पंचायत बहुत बने हुए हैं। मैं उन सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। वक्त बहुत कम है और वक्त बहुत कम नहीं, अपनी संक्षिप्त भाषा में अपनी बात करना चाहता हूँ। सबके चेहरे हमारी तरफ है कि आज राजा भैया पाल क्या कुछ नया बताने वाले हैं। आज हम और आप, हमारा पूरा देश इस बात को सुन रहा है। आपकी जन अदालत न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे भारत वर्ष में आपका यह कार्यक्रम टेलीकास्ट होने हो रहा है और कहीं ना कहीं हम बताना चाहते हैं कि पाल बघेल धनगर गलरिया समाज आखिरकार त्रियोदशी भंडारों में क्यों अपनी संख्या की भागीदारी बताता है। तो वो इसलिए बताता है क्योंकि हम अपनी एकता का परचम दिखाते हैं। हमारी समाज अपने नेता को मजबूत करने का काम करती है कि पाल बघेल धनगर समाज को आप नजरअंदाज करोगे तो वही परिणाम होगा जो आपके बुंदेलखंड में राकेश पाल ने करके दिखाया है, आप सबकी ताकत ने करके दिखाया है। यदि राकेश पाल जी के साथ आप सबका आशीर्वाद नहीं होता तो बुंदेलखंड की चार चार सीटें उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं मिलती। ये राकेश पाल की ताकत, आपकी ताकत है। आप सबने अपनी एकता का परचम दिखाया है और राकेश पाल जी आप सबके चरणों की धूल है। आप सबका आशीर्वाद उनके साथ है और आप सबके आशीर्वाद से राकेश पाल ने संकल्प लिया है और हमने भी इस संकल्प को सहभागी बनाया है। उन्होंने बुंदेलखंड की चिंता व्यक्त करते हुए समूचे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की चिंता व्यक्त करती है। उन्होंने कहा है कि आखिर कब तक हम मंचों से दहाड़ते रहेंगे, कब तक हम अपने लोक माता अहिल्या बाई होलकर का इतिहास सुनाते रहेंगे, आखिर 21वीं सदी का इतिहास कब बनाएंगे, क्योंकि आने वाली युवा पीढ़ी हमसे कहेगी कि हमारे समाज में राकेश पाल जैसे नेता हुए, क्या दिया है हमारे समाज को राकेश पाल ने, क्या दिया है राजा भैया पाल ने। मंचों से दहाड़ते चले गए और एक दिन हमारा भी युग समाप्त हो जाएगा। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, हमारी औलाद भी हमसे पूछेगी क्या दिया है तुमने समाज को। इस बात की चिंता राकेश पाल ने की है और इसी बात का समर्थन करते हुए मैं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में उनका हाथ थाम के काम करता हूँ, क्योंकि समाज के सच्चे चिंतक है। इन्होंने कहा है कि मैं अपने समाज को शिक्षा से जो पिछड़े हुए लोग हैं मैं उनको शिक्षा से जोड़ने जा रहा हूँ और हमारी समाज में जब शिक्षा बढ़ेगी तो हमारे समाज में हम राजनीतिक आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे और हम अपने हिंदुस्तान के अंदर पहला इतिहास बनाने जा रही है गलरिया कौम। पूरा हिंदुस्तान मेरी आवाज को सुन रहा है। पहली बार हमारी समाज भागवत और भंडारे से हट करके समूचे हिंदुस्तान को शिक्षा जगत में जोड़ने के लिए विश्वविद्यालय खोलने के लिए जा रही है। हमारी समाज यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है। सुन लो वो लोग जो कहते थे कि ये गलरिया समाज केवल खाना जानती है और भोजन करके चली जाती है, इसका कभी भविष्य नहीं बन सकता। मैं उन हंसने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ ये गलरिया समाज हिंदुस्तान के अंदर 100 करोड़ की यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है। ये राकेश पाल का सपना है और ये राकेश पाल का अकेला सपना नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सपना है और उनके साथ तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने उनका हाथ थामा है और उन्हें कहा है कि आप ये शिक्षा का महायज्ञ आप शुरू कीजिए, शिक्षा का मंदिर खोलिए, जिस शिक्षा के मंदिर में हमारे समाज के लड़के MBBS बनकर निकले, IPS बनकर निकले, कलेक्टर बनकर निकले और हमारे समाज का नाम रोशन हो, ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। तो कई समाज के लोगों ने, हमारे समाज के तमाम लोगों ने, लखनऊ से लेकर बुंदेलखंड से लेकर के सभी लोगों ने कहा है कि हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्हीं में से 12 लोगों ने कहा है कि हम 20-20 लाख रुपए यूनिवर्सिटी के लिए देना चाहते हैं। वो यूनिवर्सिटी राकेश पाल के नाम से नहीं होगी, वो लोक माता अहिल्या बाई होलकर के नाम से होगी, हिंदुस्तान के नाम से होगी और पूरा ट्रस्ट बनेगा जिसमें सबके
पट्टिका चिपकेगी उसके अंदर किसने क्या दिया है। हमने यूनिवर्सिटी में लाखों रुपए खर्च किया है, उस यूनिवर्सिटी में हम अपने एक एक भवन बना करके उसका जीवन भर के लिए यादगार के रूप में बनाने जा रहे हैं। ये आप सबके समाज का सपना साकार होने जा रहा है। आपके गरीब बच्चे भी डॉक्टर बन सकते हैं, आपके गरीब बच्चे भी कलेक्टर बनेंगे। ये सपना राकेश पाल का है, जो आने वाली पीढ़ी राकेश पाल के जाने के बाद उनको याद करेगी। क्योंकि हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी जब लोग देखेंगे किसने बनवाई थी, तब कहेंगे लोग कि ये हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर के वंशज पाल समाज ने बनवाई थी। वो काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इस वक्त बहुत कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ लोगों को तो हम समाज में जगा रहे हैं, कुछ लोगों को तो तुम जगाओ, उस समाज को शिक्षा से जोड़ो। बस मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि इस सुझाव को देकर के हिंदुस्तान के वो तमाम पाल समाज के युवा निश्चित रूप से उनको लगेगा कि पहली बार समाज में कुछ अच्छा हो रहा है और उनका भी समर्थन और उनका भी सहयोग हमको मिलने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड पाल फैमिली रेस्टोरेंट। पता संतरतरा भांडे रोड पांडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। को तहे धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरा बहुत प्रचार किया है। और अब मैंने एक नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पांडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहाँ आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, दाल कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव, पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पांडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। और धन्यवाद।